रिफ्लक्स डिजीज यानी गर्ड जिसे हम बोलते हैं, ये पेट की ऐसी बीमारी है जिसमें पेट का जो एसिड है वो आहार नली में आने की वजह से कई तरह की परेशानियां पेशेंट्स को होती हैं। जैसे कई पेशेंट बोलते हैं कि उनको सीने में जलन हो रही है, कई पेशेंट को गले में खराश, और यहाँ तक कि कई पेशेंट्स को खांसी वगैरह, अस्थमा वगैरह भी हो जाता है। इसके अलावा गर्ड में क्या होता है कि कई पेशेंट को आहार नली में सिकुड़न भी हो जाती है, जैसे हम लोग स्ट्रिक्चर बोलते हैं, वो सब भी हो जाता है। और ये गर्ड की पहचान है। गर्ड के लिए जो है नेक्स्ट सिम्टम्स में यदि अपन देखें, गर्ड के सिम्टम्स उसके होते हैं कि छाती में जलन, बार बार उल्टियाँ होना, डकारें आना, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, ये सारे गर्ड के सिम्टम्स होते हैं, सामान्य सिम्टम्स। तो और कौन सी चीज़ें गर्ड में नहीं करनी चाहिए? गर्ड के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें एसिड ज़्यादा बनता है, और उनकी आहार नली और पेट का जो जंक्शन होता है, उस दोनों जंक्शन के बीच का जो स्फिंक्टर थोड़ा लैक्स होता है। तो ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को, जैसे तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफ़ी वगैरह कम लेनी चाहिए, और खाना खाने के, डिनर करने के बाद और सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। और इसके अलावा जो 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 चीज़ें, जैसे एसिड बनता है, जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे एसिड ज़्यादा बनता है, और खाली पेट ज़्यादा ना रहना, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से भी एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वजह से गर्ड के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए गर्ड के पेशेंट्स को, ये एसिड भी बढ़ाता है, और दूसरा ये जो आहार नली और पेट के बीच का जो स्फिंक्टर रहता है उसको भी लूज करता है। इसके अलावा गर्ड के पेशेंट्स को यदि अलार्म सिम्टम्स आ रहे हैं, अलार्म सिम्टम्स मतलब होता है यदि कुछ खतरे वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि भूख कम लगना, खाना निगलने में तकलीफ होना, और उल्टियाँ, बार बार उल्टियाँ होना, खून की कमी होना, यदि ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो केवल खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए पेशेंट को, उसको प्रॉपरली किसी गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट को दिखा करके एंडोस्कोपी जरूरी होती है यदि इस तरह के अलार्म सिम्टम्स हो रहे हैं। और यदि पेशेंट्स लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा गर्ड के सिम्टम्स से, तो एंडोस्कोपी की जरूरी होती है। उसके लिए एंडोस्कोपी में हम लोग ये देखते हैं कहीं कि गर्ड का रीज़न क्या है, कि पेशेंट को हाइटस हर्निया है या पेट के अगले हिस्से में कोई रुकावट।